हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया, नदीम सीखे और दुनिया को सिखला। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله बच्चों और किड्स मदनी चैनल की नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में, जी हाँ इस्लाम फॉर किड्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल की नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम है जिसमें इंटरेस्टिंग और मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या सुनेंगे, दुरूद पाक की फज़ीलत। जी फरमान है आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम दुरूद पाक की फजीलत के बाद किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से करते हैं आज का सवाल। जी हाँ आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, कल क्या सवाल था, गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला का नाम मुबारक बताइए। आज के सवाल है, आज सवाल है गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला की कुनियत क्या है। सुभान अल्लाह, यहाँ जो है बच्चे कन्फ्यूज हो गए शायद थोड़ा, आते हैं माशाल्लाह। जी तो सवाल आपसे ये गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला की कुनियत बताइए। जी आपने जो इंशाल्लाह हमें कुनियत बतानी है, कुनियत तो आपको एक जो है ना मैं हिंट देता हूँ, चले आप बताएं, हिंट देना ना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हिंट दे दिया आपको तो आप पहुँच जाएंगे। जी गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला की कुनियत अबू मोहम्मद है। क्या है कुनियत, अबू मोहम्मद। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल की नाज़रीन, आज का सवाल भी है गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला की कुनियत क्या है। आइए बढ़ते हैं हम हमद की जानिब, किसकी जानिब, हमद की जानिब। हाँ हमद हमारे पढ़ेंगे हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हमजा भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। आप कैसे हैं मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। जी हमजा भाई आप जो है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और फिर जो है हम सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम होता है मदरसा मदीना ऑनलाइन। जी हाँ मदरसा मदीना ऑनलाइन बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है, उसका फॉर्मेट भी आपको बताएंगे कारी साहब से इंशाल्लाह सुनेंगे फॉर्मेट, लेकिन उससे पहले अपने प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। जी अल्लाह 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 Allahu
अकबर कहे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मदरसुल मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखे और दुनिया को सिखला हमारा सेगमेंट इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है जिसमें हम हमारे साथ काजी साहब मौजूद हैं। काजी साहब की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا صاحب؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال. آپ کیسے ہیں مبین بھائی؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال. जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट इसका नाम है मदरसुल मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, मदरसुल मदीना ऑनलाइन बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है जिसमें जो है सारे बच्चे जब सबक याद करते हैं, सुनाते हैं और हद्र और तरतील के साथ दोहराते भी हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जल्दी जल्दी आप अपने दोस्तों को कॉल कीजिए या दावत दें उनको कि भाई फटाफट आ जाइए आप। और जो है हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है मदरसुल मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, मदरसुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी फ्रेंड को दावत दीजिए और आप भी देखिए और बहुत कुछ सीखिए। जी जी कार साहब, आप कार साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी कार साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आए हैं मदरसुल मदीना ऑनलाइन के साथ, आपके पास आ चुके हैं। जी हाँ, कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ना है, सीखना है, समझना है और अमल भी करना है। और प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक अच्छे अंदाज से कब पढ़ पाएंगे? जब हम तजवीद के साथ पढ़ेंगे। जी, तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है। और तजवीद के साथ पढ़ना क्या है? तजवीद कहते हैं सुथरा करना, उम्दा करना, निखारना, बनाना, संवारना और हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा करना, ये तजवीद होती है। तो हम जब ये कर लेंगे, यानी उनके मखारिज और सिफात के साथ पढ़ने लग जाएंगे, तो हम तजवीद के साथ पढ़ने वालों में शुमार हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक
आज जो है हम सूरह नबा की आयत नंबर 25, 26 और 27, जी हाँ, इन तीन आयतों को अच्छे अंदाज से पढ़ना भी है, समझना भी है, सुनाना भी है, और फिर पढ़ के पढ़ना भी होता है और सुनाना भी होता है, और आखिर में हदर और तरतील में भी इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, जी आज इन तीन आयतों को पहले तवज्जो के साथ समाज फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا حميما وغساقا جزاء अब तवज्जो के साथ समझना है, और उससे पहले जब कुरान पाक पढ़ना है तावुज़ और तस्मिया भी मिलकर मेरे साथ पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا حميما وغساقا जी हाँ, मिलकर पढ़ना है, छोटे बच्चों ने ही पढ़ना है, बड़े बच्चों ने ही पढ़ना है, यहाँ मौजूद बच्चों ने ही पढ़ना है, और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी पढ़ना है, और इतनी आवाज़ से कि आपके कान अच्छे तरीके से उसको सुन लें, और बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, मखारिज और सिफात आपके जो अदा करने का एक वो तरीका होता है उससे आप अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, जब आप हल्के पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसके मखारिज जो होते हैं, जो हर्फ का मखरज होता है या सिफात होती है, वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो आप इतनी आवाज़ रखें कि आप उसको अच्छे अंदाज से समझ पाएँ। इल्ला हमीमन व गस्साका प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ हमज़ा, हमज़ा को खूब वाज़े करना होता है। इल्ला लाम अलिफ ज़बर ला हुर्फ़े मद्दा है, एक अलिफ खींच कर पढ़ना है, और प्यारे बच्चों को और मदनी चैनल के नाज़रीन हा की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से करनी है। जी हाँ, जल्दी जल्दी बताना है, हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से, और या साकिन से पहले ज़ेर आ जाने की वजह से या मद्दा हो जाएगा, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जी हाँ, दो ज़बर की तनवीन के बाद वाव आ गया, एक कायदा है, बहुत इजी कायदा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जी किसको याद आ रहा है दो ज़बर नून साकिन या तनवीन के कायदों में से कायदा? जी माशाल्लाह, मुबीन भाई हाथ उठा चुके हैं, कौन सा मुबीन भाई जी बताइए, कायदे का नाम इदगाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, और ये इदगाम आधा जवाब थोड़ा मुकम्मल, माल गुन्ना, जी हाँ इदगाम माल गुन्ना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जी हाँ माशाअल्लाह, और सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अमीर सुन्नत भी मद्दी मुज़ाकरे में हमें तरगीब दिला रहे थे, समझा रहे थे कि जब भी माशाअल्लाह बोलना है अच्छे अंदाज से बोलना है, या आपको जब भी तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है तो अच्छे अंदाज से पढ़ना है। जी जब भी कुरान पाक पढ़ना है अच्छे अंदाज से पढ़ना है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर इदगाम का कायदा है, तो इदगाम क्या करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। जी हाँ, और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, वाव की अदायगी हमेशा होंठों की गोलाई से, किसकी गोलाई से, होंठों की गोलाई, जी हाँ हमने कहना है होंठों की गोलाई से। जी हाँ, हाथ गोल कर लेंगे तो अदा हो जाएगा, नहीं होगा तो हमने क्या गोल करने, होंठ गोल करने, तो होंठों की गोलाई से वाव की अदायगी होगी। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, गैन की अदायगी हलक के हरूफ हल्किया में से, जी दानियाल भाई बताएंगे, जी जी कहाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, गैन हुर्फे हल्किया में से भी है और हलक के ऊपर वाले हिस्से से भी अदा होता है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सीन की अदायगी
बारीक हरूफ में से है, सिटी के साथ अदा करते हैं हरूफ असलिया में से, और सिफत के लिहाज से हरूफ सफीरिया में से भी, माशाल्लाह। जी हाँ, ये भी आपका जवाब दुरुस्त है। और सिटी के साथ अदायगी करेंगे सीन अलिफ जबर सा अलिफ मद्दा के साथ, क्या होगा हरूफ मद्दा? एक अलिफ खींचना है, खींच लें दानियाल भाई, एक अलिफ, चले एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। या दानियाल भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। वगस्सको। अच्छा, काफ हरूफ मुस्तालिया में से है या हरूफ कलकला में से है? जी आप बताएंगे। जी आपका नाम क्या है? मुस्तालिया से। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद अत्तारी ने माशाल्लाह जवाब दिया हरूफ मुस्तालिया से, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। और क्या हरूफ कलकला से भी है? दोनों में से है, हरूफ कलकला भी है काफ और हरूफ मुस्तालिया भी है। जब ये साकिन होते हैं तो कलकला खूब वाज़े हो जाता है, और यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल कर पढ़ते हैं। इसका नाम है वफ़िल्बदाल माल अलिफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदलना, जी हाँ, वफ़िल्बदाल माल अलिफ कहलाता है। एक मरतबा फिर मिलकर पढ़ेंगे, इल्ला हमीमन वग़स्सक। जी बड़े जो बच्चे हैं वो आवाज़ से पढ़ें, जी कोशिश करें, छोटे बच्चे भी और बड़े बच्चे भी इंशाल्लाह आवाज़ एक साथ यानी मिलकर आगे पीछे ना हो, ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखें। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल की नाज़रीन, अगली आयत जज़ाउन विफ़ाक़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, जीम की अदायगी क्लियर रखना है, यानी चे से बदलनी नहीं चाहिए। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा उर्फ़ मद्दा, और इसके बाद हमजा भी है और मद भी नजर आ रही है। इस मद का नाम जल्दी से कौन बताएगा? जी आप बताइए, माइक ले लीजिए। मध्य मुंतसिल। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, ये मध्य मुत्तसिल है। और मध्य मुत्तसिल को खींच कर पढ़ते हैं कितना? दानियाल भाई बताएंगे। जी दानियाल भाई, नहीं याद जहन में नहीं। जी आप बताएंगे अब्दुल्ला भाई। पांच अलिफ की मिकदार। पांच अलिफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे दो ढाई अलिफ। कितने? यानी चार या पांच हरकत। अगर पांच हरकत पढ़ा तो आपने सही जवाब दे दिया। पांच अलिफ नहीं, दो ढाई अलिफ, यानी चार या पांच हरकत इसको खींच कर अदा करते हैं। जी जी हाँ। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमजा को खूब वाज़े करना है। जब हमजा को वाव से मिलाएंगे तो एक कायदा लगेगा। कौन सा कायदा है जरा सोच लें? इसी कायदा है, इदगाम। माशाल्लाह मुबीन भाई ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया, इदगाम। और इदगाम माल गुन्ना है या बिला गुन्ना है? माल गुन्ना है, ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया, माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर नून साकिन या तनवीन के बाद जब कभी हरूफ़े अरमलून में से या आ जाए, वाव आ जाए, मीम आ जाए, नून आ जाए, तो इदगाम माल गुन्ना होता है। लाम और रा आता है तो इदगाम बिला गुन्ना होता है। तो इदगाम माल गुन्ना करेंगे, अलिफ का गुन्ना भी करेंगे और मिला कर पढ़ना है। और वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से, फा अलिफ ज़बर फा, हरूफ़े मद्दा अलिफ मद्दा है माशाल्लाह, एक अलिफ खींच कर अदा करना है। और दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से इसका नाम बताएं, माशाल्लाह वफ़िल्बदाल माल अलिफ। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ पर बताना है कि जब इस आयत को अगली आयत से मिलाएंगे, यानी इल्ला हमीमन वग़स्सकन जज़ाउन विफ़ाक़ा, तो यहाँ जब हम मिला कर पढ़ेंगे तो कौन सा कायदा लगेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबीन भाई ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस इख्फा का कायदा होगा कि दो ज़बर की तनवीन, नून साकिन या तनवीन, दो ज़बर की तनवीन हो या दो ज़ेर की हो या दो पेश की हो, तनवीन होनी चाहिए। तो नून साकिन या तनवीन के बाद जब हरफ इख्फा में से कोई हरफ आता है, जीम भी हरफ इख्फा में से, तो इसलिए यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा, यानी गुन्ना अदा करेंगे और नून को छुपा कर अदा करेंगे। माशाल्लाह बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। इन्नहुम कानू इन्नमा नहीं है, इन्नहुम है, क्या है? इन्नहुम। जी मोहम्मद अहमद बेटा, क्या है? इन्नहुम। इन्नहुम कानू इन्नहुम कानू।
जी हाँ, हमजा को खूब वाजे करके अदा करना है। और यहाँ क्या है, नून मुशद्दद का है या इदगाम का कायदा है, क्या कायदा है? नून मुशद्दद। जी, नून मुशद्दद का कायदा है, नून पर तशदीद आ गई है। और हमने यहाँ नून मुशद्दद में एक अलिफ का गुन्ना भी अदा करना है। और यहाँ मीम साकिन के कायदों में से कायदा, ईजी कायदा, मीम साकिन के कायदों में से या तो इदगाम शफी होगा या इजहार शफी होगा या इख्फा शफी होगा। जी हाँ, इजहार शफवी है कि मीम साकिन के बाद ना आगे बा है और ना मीम है। जब कभी मीम साकिन के बाद मीम और बा आगे आ जाएं तो इदगाम शफी होता है, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम, और मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इख्फा शफवी। और मीम साकिन के बाद मीम और बा, इन दो हरूफ के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार शफवी होता है, गुन्ना नहीं करते। माशाल्लाह, मुबीन भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। कानू, काफ अलिफ जबर का, काफ को बारीक रखना है, अलिफ मद्दा एक अलिफ खींचना है। और यहाँ वाव मद्दा, काफ अलिफ जबर का, नून वाव पेश नू, अलिफ मद्दा भी है, वाव मद्दा भी है, दोनों को एक एक अलिफ खींचना है। जी हाँ, तो दोनों को एक अलिफ खींचेंगे, इन्नहुम कानू, इन्नहुम कानू, ला यर्जून हिसाबा। माशाअल्लाह, लाम अलिफ जबर ला, इस ला को जरूर खींचना है। जी हाँ, एक अलिफ खींचना है, उर्फ़े मद्दा है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, या रा साकिन से पहले या आ गया, रा साकिन हो उससे पहले जबर आ जाए, ये या तो आया है मगर इसके ऊपर क्या है, जबर। अगर या साकिन हो उससे पहले कोई भी हर्फ हो, हमने हर्फ को नहीं देखना, हमने क्या देखना है, उसकी हरकत को। अगर रा साकिन से पहले जबर आए तो रा को क्या करेंगे, पुर करेंगे। और रा साकिन से पहले पेश आ जाए तो क्या करेंगे, पुर करेंगे। और रा साकिन से पहले जेर आ जाए तो रा को क्या करेंगे, बारीक करेंगे। जी हाँ, माशाल्लाह, तो यहाँ रा को पुर अदा करेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले जबर आ गया। और प्यारे बच्चों, जीम वाव पे जू, वाव मद्दा है, एक अलिफ खींचना है और नून पर हरकत है, इसको खींचना नहीं है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ला यर्जून हिसाबा, हाक की अदायगी हलक के, दरमियान वाले से मिलकर बोल रहे हैं, हलक के माशाल्लाह, हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से, और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से, हमजा और हा हलक के ऊपर वाले हिस्से से, हमजा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से, हमजा और हा, गैन और खा होते हैं हलक के ऊपर वाले हिस्से से, तो क्या हमजा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से, आइन और हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से, गैन और खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको क्या कहते हैं, हुरूफ़े हलकी, क्या कहते हैं इनको, हलकी, हलकी। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हा की अदायगी क्लियर रखनी है, हा को हा से नहीं बदलना, सीन अलिफ ज़बर सा, जी हाँ एक अलिफ खींचना है। जी, सीन कौन से हरूफ में से, हरूफ असलिया और अलिफ मद्दा भी हो रहा है, अलिफ मद्दा भी, और सिफत के लिहाज से सफीरिया, माशाल्लाह। और दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदलना है तो क्या बनेगा, माशाल्लाह। इस आयत को, पूरी आयत को बुलंद आवाज से पढ़ना है, इन्नहुम कानू ला यर्जून हिसाबा, जी दानियाल पे कानू नहीं पढ़ना, कानू पढ़ना है, वाव मद्दा खींचना है, इन्नहुम कानू ला यर्जून हिसाबा, जी हाँ। बाज़ मरतबा ऐसा होता है, जो मैंने अर्ज़ की कि काफ अलिफ ज़बर का और नून वापेश नून, दोनों को एक 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 अलिफ खींचना है, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐसा होता है कि का को खींच देते नून को नहीं खींचते, जी हाँ ये अक्सर गलती हो जाती है, तो इसका ख़ास ख्याल रखना है कि दोनों को खींचना है, का नू, क्या पढ़ना है, जी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा, माशाल्लाह। कायर साहब ने सेगमेंट किया, लेकिन जो है शायद एक चीज़ आप भूल गए, 2627 की आयत को अगर मिलाएंगे तो कायदा क्या बनेगा? जी ये भी अच्छा आपने सवाल किया कि 26 और 27वीं आयत को अगर मिलाएंगे तो कायदा, हमारे दानियाल भाई बताना चाह रहे हैं, जी दानियाल भाई बताएं, इदगाम माल गुन्ना नहीं, आपका जवाब हलकी,
इजहार हल्की माशाल्लाह, हमारे मुबीन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ इजहार हल्की क्यों हुआ कि जब तनवीन आ जाए, नून साकिन तनवीन के बाद हमजा आ रहा है, जी हाँ, इस हमजा की वजह से अगर मिला कर पढ़ेंगे, अगर यहाँ वफ करते हैं तो वफ बिल इब्दाल माल अलीफ हो जाएगा, और मिलाएंगे तो इजहार हल्की का कायदा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इख्वा का कायदा हुआ था और यहाँ इजहार हल्की का कायदा होगा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। प्यारे मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाल्लाह हमारा बड़ा ही प्यारा मरहला आज का नाम था तवज्जो से समझना। बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब जिसका नाम है तवज्जो से पढ़ना। लेकिन उससे पहले आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। माशाल्लाह अल-मदद या गौस पाक, अल-मदद या गौस पाक, अल-मदद या गौस पाक, माशाल्लाह। आई नेक्स्ट कॉल। मैं हुसैन सैयद सैदे आवाजी खान से, आज के सवाल का जवाब अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद आपने जवाब दिया, यानी गौस पाक रहमतुल्लाह तआला की कुनियत आपने बताई अबू मोहम्मद, और आपका जवाब दुरुस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब, और मरहला है तवज्जो से पढ़ना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इन आयात को तवज्जो के साथ पढ़ना है। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मि ल्लाहिर रहमानिर रहीम, अच्छा रहीम, ऐसे मीम को हिलाना नहीं है क्योंकि मीम में कलकला हो जाएगा और हमने मीम में कलकला नहीं करना। तो जब पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी हाँ माशाअल्लाह। इल्ला हमीमन व गस्साका, إلا حميما وغساقا, إلا حميما وغساقا, جزاء وفاقا, جزاء وفاقا, جزاء وفاقا, جزاء وفاقا, إن حسابا, إنهم كانوا لا يرجون حسابا. جی دانیال بھائی سے پھر غلطی ہو گئی کہ کانو میں واو مدہ کو کم کھینچا ہے, پورا کھینچنا ہے. توجہ, جب توجہ بڑھ جائے گی, توجہ آگے پیچھے ہوگی تو کیا ہوگا, غلطی ہو جائے گی. تو توجہ پوری رکھنی ہے, تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. إنهم كانوا لا يرجون حسابا, إنهم كانوا لا يرجون حسابا, ما شاء الله ما شاء الله. उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों ने अच्छे अंदाज से पढ़ा होगा, और अब यहाँ मौजूद बच्चे सुनाने जा रहे हैं, और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी सुनाना है अच्छे अंदाज से. तो यहाँ मौजूद बच्चे सुना रहे हैं, दानियाल भाई सबसे पहले. जी पहली आयत को अच्छे अंदाज से. गैन को और सीन की अदायगी सीटी के साथ दोबारा एक मरतबा. माशाल्लाह माशाल्लाह, जी अच्छी कोशिश की. अब दूसरी आयत. जी हाफिज साहब पढ़ेंगे, हाफिज साहब को दे माइक. जी रियान भाई, खुसूस इस्लाम भाई.
जज़ा वफ़ाक़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अयान भाई या रयान भाई? अयान भाई। अयान भाई जी, अयान भाई थोड़ा सा मद को और खींचे दोबारा। जज़ा वफ़ाक़ा। माशाल्लाह। और तीसरी आयत जी आप पढ़ेंगे जी। إنهم كانوا لا يرجون حسابا। अच्छा إنهم كانوا, जी आपने भी दानियाल भाई वाली गलती दोहरा दी, तो आपने नू एक लिख खींच रहे हैं। إنهم में हा के दाएगी, और दोबारा इसको आप पढ़े। إنهم كانوا لا يرجون حسابا। إنهم كانوا لا يرجون حسابا। دوراي دوبارا। إنهم كانوا لا يرجون حسابا। ما شاء الله ما شاء الله। من جدا وہ کوشش کرتا ہے وہ آ لیتا ہے। ما شاء الله ما شاء الله। جی ہاں اب बढ़ते हैं हम हदर और तरतील। जी हाँ, हदर और तरतील हमारा सेगमेंट है और ये मरहला है हमारे सेगमेंट का। पहले बार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन सेगमेंट यानी हदर, इस मरहले यानी हदर और तरतील में हम बड़े बच्चे जो हमारे बड़े बच्चे नाफ़खां बच्चे हैं उनसे जो है तिलावत कुरान पाक सुनते हैं हदर और तरतील में। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी मरहले के जाने जिसका नाम है हदर और तरतील के साथ पढ़ना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم। بسم الله الرحمن الرحيم। إلا حميما وغساقا। एक आवाज में एक सांस में इल्ला हमीमन व गस्सकन जज़ाउ वफ़ाक़ा। इल्ला हमीमन व गस्सकन जज़ाउ वफ़ाक़ा। जज़ा ज़ा की अदायगी थोड़ा सा और अच्छे अंदाज से दोबारा एक मरतब पढ़ें। इल्ला हमीमन व गस्सकन जज़ाउ वफ़ाक़ा। माशाल्लाह। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। क्या है थोड़ा सा तरतील वाला, हमने पढ़ना है हदर में थोड़ा स्पीड से, तो स्पीड इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अब पढ़ते हैं तरतील के साथ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم। بسم الله الرحمن الرحيم। إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا।
वगस्साकन काफ की अदायगी पुर और यहाँ इख्फा का गुन्ना भी करेंगे, तो एक मरतबा दोबारा पढ़िएगा। माशा अल्लाह। मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट जाने। जी हाँ, हमारे सारे मरहले ख़त्म हो चुके हैं, पांच मरहले होते हैं हमारे पहले सेगमेंट में। पहले सेगमेंट का नाम क्या है? मदरसतुल मदीना। और पहले मरहले का नाम क्या है? तवज्जो से सुनना। दूसरे मरहले का नाम क्या है? तवज्जो से पढ़ना समझना। जी तीसरे मरहले का नाम क्या है? तवज्जो से पढ़ना। और चौथे मरहले का नाम क्या है? तवज्जो से सुनाना। तवज्जो से सुनाएंगे। माशाअल्लाह। और पांचवा मरहला यानी आखिरी मरहला कौन सा है? अदर और तरकील के साथ पढ़ना। माशाअल्लाह। और फिर हमारा होता है नेक्स्ट सेगमेंट, और जिसका नाम होता है बच्चों जी दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा सेगमेंट जिसका नाम है बच्चों की महफिल नाज। जी हाँ, बच्चों की महफिल नाज हमारा सेगमेंट है जिसमें हमारे साथ कुछ नाच खान मौजूद हैं। आइए बढ़ते नाच खानों की जानिब और इंशाअल्लाह उनसे नाते भी सुनते। जी अब्दुल्ला भाई, आप कौन सी तैयारी, किस कलाम की तैयारी कर रहे हैं? जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलुल्लाह। जी आयन भाई, आप कौन से कलाम की तैयारी कर रहे हैं? मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा और मैं नमदीदा नमदीदा। माशाल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद तहा। तहा भाई, तहा भाई, माशाल्लाह। जी तहा भाई, नेमतें बांटता जिस समत वजी शान के, माशाल्लाह। हमजा भाई, हमजा भाई, हमजा भाई, हमजा भाई, हमजा भाई, हा वाला हमजा, हा वाला नहीं, हमजा। जी सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। महशर में? जी महशर, महशर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए बढ़ते हैं हम हमजा भाई की जाने। जी हमजा भाई, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है।
अल्लाह। आइए बढ़ते हैं रियान भाई की जाने। अयान भाई जी, आपका नाम अयान है रियान है? अयान अत्तारी। अयान भाई, अच्छा माशा जी,
92। अच्छा मेरे हमजा भाई ने जो कलाम पढ़ा माशाल्लाह, अच्छा आपने एक शेर पढ़ा मचला है कि रहमत, वो दोबारा पढ़ना। मचला के रह गए मत ने उम्मीद बंधाई है, मचला के रह गए मत ने उम्मीद बंधाई है, क्या बात तेरी मुजरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अयान भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अयान भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے I'm
अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह जो गुलाम था भाई सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम I'm
माशाअल्लाह हमारे अयान भाई ने कलाम पढ़ा, हमारे 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 हमजा भाई ने कलाम पढ़ा, हम भी पढ़ी, अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए, और हमारे ग़ुलाम ताहा भाई ने भी कलाम पढ़ा, अल्लाह पाक इन सबको बरकत अता फरमाए, आला मकाम अता फरमाए, अपने माँ बाप का फरमा बरदार बच्चा बनाए, आमीन। आइए बढ़ते हैं हम हमारे अब्दुल्ला भाई की जानिब, इंशाअल्लाह वो भी कलाम सुनाएंगे। अब्दुल्ला भाई कौन सा कलाम सुनेंगे? जबी मेरी हो संगे दर्द, जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी तुम्ही को
छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह न छूटे माशाअल्लाह। इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त भी खत्म पहुंचा। आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं हूं गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूं इमादियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं कौन सा शरीर से। हम आज कलाम सुनाएंगे। नाम नबी से प्यार है दिल से ये इकरार है। नाम नबी से प्यार है दिल से माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का वक्त इख्तिताम पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में। हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखला बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया आ गया।